नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। कोरोना वायरस से हुई मौतों के मामले में सरकार पीड़ित परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। कोरोना काल की पहली और दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुछ तो ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में कोई भी नहीं बचा। कई कई बच्चों के सर से माता पिता का साया भी उठ गया है। ऐसे में सरकार द्वारा असहाय और पीड़ित लोगों की मदद के उद्देश्य से कोरोना वायरस से हुई मौत के मामले में उनके परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद कर रही है। इसी के चलते जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित बृहस्पति भवन पर फॉर्म भी दिया जा रहा है और उन्हें वहीं पर जमा भी करवाया जा रहा है। जिन परिवार में कोरोना वायरस से किसी की मौत हुई है, वे परिवार के सदस्य फॉर्म लेकर सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि फॉर्म के साथ आरटीपीसीआर रिपोर्ट या फिर जिस अस्पताल में भर्ती थे उस अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा लिखित कोरोना वायरस की पुष्टि की गई हो तो वहां मान्य होगा। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने यह भी कहा है कि पीड़ित परिवार के सदस्य जल्द से जल्द फॉर्म भरकर जमा कराएं ताकि उन्हें समय पर सहायता राशि प्रदान की जा सके। भी मृत्यु हुई है कोविड से और जो शासकीय दिशा निर्देश हैं उनमें आवेदन के साथ में या तो आरईटी रिपोर्ट या आरटीपीसीआर रिपोर्ट जिसमें उस जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको पॉजिटिव दर्शाया गया है वो होनी आवश्यक है। और अगर आरईटी आरटीपीसीआर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो जहां पर वो इलाज जिनका वहां पर हुआ है वहां के दो डॉक्टरों के सिग्नेचर के साथ में एक रिपोर्ट जो दिखाती हो कि वो कोविड पॉजिटिव हों वो होनी आवश्यक है जैसा कि शासन ने नियम बनाए हैं। और अगर उनके साथ में हमको आवेदन प्राप्त होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से 24 से 48 घंटे के अंदर हम लोग राशि। धार्मिक नगरी उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निगम ई बाइक की सुविधा उपलब्ध करवा रही है जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सप्तपुरियों में से एक धार्मिक नगरी अवंतिका उज्जैनी जहां हर रोज तीर्थ करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां महाकाल कृष्ण की शिक्षा स्थली सहित अन्य मंदिरों के साथ आस्था की डुबकी लगाने मां शिप्रा के रामघाट भी पहुंचते हैं। शहर में यूं तो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हजारों ऑटो टैक्सियां हैं। इसके साथ महाकाल दर्शन बस सेवा भी उपलब्ध है जो मात्र 100 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क में तय समय में अलग अलग स्थलों के दर्शन करवाती है। लेकिन महाकाल की नगरी में आने वाले ऐसे श्रद्धालुओं का भी प्रशासनिक अमला खास ख्याल रख रहा है जिसे ई बाइक पर सवार होकर शिप्रा के घाट सहित स्थापित प्राचीन 84 महादेव राजा विक्रमादित्य के स्थान दो शक्ति पीठ शत विनायक व अन्य सभी के दर्शन लाभ आसानी से मिल सके और वो दर्शन करते वक्त यहाँ की प्राचीनता को गली गली में घूमकर जान सके क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उज्जैन में मंदिरों की गिनती करना असंभव है। यहाँ कण कण में शंकर विराजमान है। आपको बता दें ई बाइक सुविधा लेने वाले को ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी को तय शुल्क जमा करना होगा। बाइक को चार्ज करने के लिए शहर भर के मुख्य मार्गों व होटलों में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। ज्ञात रहे आज से 4 वर्ष पहले भी निगम ने साइकिल शेयरिंग व ई बाइक की सुविधा देने का प्रयास किया था लेकिन टेंडर के कारण प्रयास सफल नहीं हो पाया। अब जो सुविधा देने जा रहे हैं उससे पहले निगम टेंडर देने वालों के लिए नियम बनाएगा जिसमें निगम सिर्फ जमीन देगा तो टेंडर लेने वालों को चार्जिंग स्टेशन खुद लगवाने होंगे, बाइक भी खुद खरीदना होगी। निगम सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से निगरानी करेगा जिसमें टेंडर लेने वालों को भी पता रहेगा कि कौन सी बाइक कहाँ है। यह श्रद्धालुओं की सुविधा के चलते महत्वपूर्ण रहेगा। निगम आयुक्त व स्मार्ट सिटी सीईओ अंशुल गुप्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने वाले समय में सुविधा का सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसकी डिमांड निश्चित तौर पर बढ़ना है। निजी व सार्वजनिक दोनों तौर पर इसके लिए हमने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निगम व निगम की सिटी बस कंपनी से बात कर टेंडर निकाले हैं, जल्दी से शुरू कर दिया जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक आने वाली समय की टेक्नोलॉजी है और निजी तौर पे भी सार्वजनिक तौर पे भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग पड़ेगा और इसके लिए हमने नगर निगम और जो नगर निगम की कंपनी है सिटी बस के उसके माध्यम से प्रयास किया है कि किराए पे जो है लोगों को ई बाइक उपलब्ध हो सके।
इस संबंध में हमने जो है टेंडर जारी किए हैं और जल्द ही जो है ये काम हम शहर में शुरू कर पाएंगे। थाना माधव नगर के पास पुलिस कॉलोनी में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे घर का सामान जलकर खाक हो गया। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में माधवनगर थाने की पुलिस कॉलोनी में बुधवार रात को अचानक आग लग गई। दरअसल यह आग नानाखेड़ा थाने में पदस्थ आरक्षक चेतन जौहरी के मकान में लगी। घटना के वक्त आरक्षक थाने पर ड्यूटी कर रहा था। आसपास के रहवासियों ने घर से धुआं निकलता देख तत्काल दमकल को सूचना दी। रहवासियों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि घर का कई सामान जलकर खाक हो चुका था। आगजनी का कारण फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। थाने के पास में मकान में आग लगी, हमने तुरंत फायर फाइटर लेकर रवाना हुए। यहाँ पर आकर हमने देखा फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आग लगी हुई थी, फ्रिज पूरा जल चुका। उसके ऊपर एक सी प्लेट टाइप में उन्होंने बना रखी घर में, वहाँ पर कुछ केबलें पड़ी थी तो वो चिपक। शादी के घर में घुसकर दूल्हे के पिता की हत्या कारित करने वाले आरोपी अकबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय एनपी सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अकबर खान पिता अजीज बम्बाज उम्र 23 निवासी धनकुट्टा मोहल्ला जिला उज्जैन को धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास एवं ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। नानाखेड़ा पर पदस्थ उपनिरीक्षक को मृतक कैलाश पिता भेरूलाल मीणा उम्र 55 वर्ष निवासी जस्ताखेड़ी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। मृतक की बहू वर्षा मीणा ने बताया कि आज से करीबन 20 दिन पहले नवरात्रि में हमारे रिश्तेदार विजय मीणा हमारे घर पर आए थे। उनके साथ उनका दोस्त अकबर खान भी आया था, जो चाय पीकर हमारे घर से चले गए थे। दिनांक 6 मई 2019 को अकबर खान अकेला हमारे घर आया था। वह मेरे देवर दीपक मीणा को उसकी सफेद रंग की गाड़ी पर बैठाकर हमारे खेत पर ले गया था। अकबर खान ने मेरे देवर दीपक को हमारी जमीन पर मछली पालन के लिए ₹1,00,000 लोन देने की बात कही थी। दिनांक 8 मई 2019 को मेरे देवर दीपक मीणा की शादी होने से कई मेहमान आए थे। सभी मेहमान रात को खाना खाकर नीचे के मकान में सो गए थे। मैं तथा मेरी बड़ी बहन पूजा, बच्चे तथा घर में ऊपर के कमरे में सो गए थे। ऊपर एक अलग कमरे में मेरे ससुर कैलाश मीणा भी सो गए थे। मेरे ससुर के कमरे में दरवाजा नहीं था। दिनांक 9 मई 2019 को सुबह करीब 4 बजे मुझे मेरे ससुर कैलाश मीणा के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं जाग गई और मैंने मेरे ससुर के कमरे में जाकर देखा तो अकबर खान मेरे ससुर कैलाश मीणा के सीने पर बैठकर चाकू मार रहा था। मैं चिल्लाई तो अकबर खान मेरे कमरे से भागा। मैंने अकबर खान को पकड़ने की कोशिश की तो वह मुझे धक्का देकर भाग गया। मेरी आवाज सुनकर मेरी दीदी पूजा मीणा भी कमरे से बाहर आई। अकबर खान हमारे घर के बाहर खड़ी उसकी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। परिवार वाले मेरे ससुर को सरकारी अस्पताल ले आए थे, जहां पर मेरे ससुर की मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना अपराध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया। थाना नानाखेड़ा के ग्राम जस्ताखेड़ी ग्राम में एक विवाह कार्यक्रम हो रहा था और शादी घर में आरोपी अकबर ने उनके घर में घुसकर सुबह 4 बजे मृतक कैलाश के सीने पर बैठकर चाकू एवं कटर से मारकर डायरेक्ट चोट पहुंचाई और उसके कारण से 3 चोटें छाती पर आई थी एवं गर्दन पर आई थी, जिससे कैलाश की मृत्यु हो गई थी। जिसमें अभियोजन द्वारा कुल 12 गवाह प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें एक आई विटनेस थी स्वयं वर्षा मीणा एवं दूसरा आरोपी की जो शर्ट थी वो एवं मौके से मृतक के कपड़े पे जो ब्लड आए थे उनका डीएनए सैंपलिंग लिया गया था एवं आरोपी के फिंगरप्रिंट भी चांस प्रिंट उभारे थे, वो भी पॉजिटिव आए थे। इस प्रकार से अभियोजन ने संपूर्ण केस को संदेह से परे प्रमाणित किया और माननीय न्यायालय ने अभियोजन के प्रस्तुत गवाहों को पूर्णता सही मानकर और आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जिले के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
उज्जैन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 9 नवंबर 2021 को बोत्सवाना में पहचाना गया। यह वेरिएंट पिछली बार हुए संक्रमण से उत्पन्न हुई पुरानी इम्यूनिटी को भेज सकता है। यह वेरिएंट डेल्टा एवं अन्य वेरिएंटों की तुलना में 5 गुना अधिक तेजी से फैलता है, इसलिए आमजन मास्क अनिवार्य रूप से पहने। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट एवं अन्य वेरिएंट पर वैक्सीन प्रभावी रहता है। वैक्सीन लगाने के बाद व्यक्ति को अस्पताल जाने की आवश्यकता कम पड़ती है एवं वैक्सीनेटेड व्यक्तियों की मृत्यु दर भी कम रहने की उम्मीद है, इसलिए वैक्सीन की 2 खुराक अनिवार्य रूप से लेना आवश्यक है। जिले में वैक्सीन के सेकेंड डोज अभी तक 46.91% लोगों ने लगवाया है। शेष लोगों को तत्काल सेकेंड डोज लगवाना चाहिए। जो लोग जानबूझकर सेकेंड डोज का टीका नहीं लगवा रहे हैं, उनको पुलिस के माध्यम से टीकाकरण केंद्रों पर बुलाया जा सकता है। टीकाकरण के सेकेंड डोज का लक्ष्य 26 दिसंबर तक पूर्ण किया जाना है। उज्जैन जिला सेकेंड डोज लगवाने के मामले में प्रदेश के 5वें स्थान पर है। जिले में कोरोना की जांच आरटीपीसीआर के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीपीसीआर के माध्यम से ओमिक्रॉन की प्रारंभिक रूप से पहचान की जा सकती है। वर्तमान में लोग मास्क कम लगा रहे हैं। मास्क लगाने के लिए पुनः लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए एवं इस पर आवश्यकता होने पर सख्ती की जाए। अभी जो नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ है और वो कई देशों में अभी फैल चुका है। अभी भारत में तो कोई अभी तक एक भी केस इसका पॉजिटिव नहीं आया है, पर इसमें चिंताजनक ये है कि ये फैलता बहुत तेज़ी से। अभी तक ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि वैक्सीन इस पर असर करती है या नहीं करती है, पर दोनों डोज लगाने से आदमी की सुरक्षा तो निश्चित रूप से होती है और जो अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उसकी गंभीरता कम होती है। इस संबंध में जो आवश्यक कार्रवाइयों जो थर्ड वेव को रोकने के लिए की जाना थी वो वहाँ पर अपने ज़िले में सभी दूर सुनिश्चित कर ली गई हैं और लगातार उन पर कार्य किया जा रहा है। टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, जो लक्ष्य है उसके अनुरूप टेस्टिंग की जा रही है। वैक्सीनेशन में प्रथम डोज हमारा लगभग 93% से ऊपर है, 94 के आसपास है और द्वितीय डोज भी हमारा 75% के आसपास पहुंचने वाला है। आज भी महाअभियान में अच्छे मात्रा में टीके लगाए गए हैं सेकंड डोज के। सीटी स्कैन की स्थापना अपने यहाँ हो चुकी है, जिला चिकित्सालय में वो कार्यरत है। ऑक्सीजन प्लांट का आज मॉकड्रिल किया गया है और ऑक्सीजन प्लांट को जो अपने शहर में और जिले की दूसरी संस्थाओं में वहाँ पर सबसे मॉकड्रिल करके और उनकी क्रियाशीलता को देखा गया है। आवश्यक दवाइयाँ और ख़ास तौर से संदेश यही है कि कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन किया जाए। सभी लोग मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ धोने का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और अगर कोई भी लक्षण आते हैं तो प्राथमिक तौर पर उसका टेस्टिंग जरूर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अंतिम तारीख 21 दिसंबर तय की गई है। वहीं गांवों में बीमा का प्रचार प्रसार करने के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उज्जैन जिले में आगामी गेहूं, चने और अन्य फसलों के बीमा करने के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि है। किसान अधिक से अधिक इस बीमा का लाभ लें, इसके लिए पुराने महीने में प्रचार वाहन द्वारा जिले में प्रचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुरला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंकिता ठाकरे, उप संचालक कृषि आरपीएस नायक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में सहायक संचालक कमलेश कुमार राठौर, जीआर मुवेल, नरेश मीणा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी बीएस अर्गल, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रबंधक भगवान सिंह, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सुबोध पाठक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मनोहर गिरी एवं बीमा कंपनी के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के किसान भाइयों से अपील की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री की किसानों के हित में मुख्य योजना है। जिले के किसान भाई इस योजना का लाभ लेने के लिए अपनी फसलों का समय सीमा में बीमा करवाएं। बहादुर सिंह बोरमंडला ने किसानों भाइयों से निवेदन किया कि विपरीत परिस्थितियों में यदि फसलों को नुकसान होता है तो फसल बीमा कराकर कुछ राहत पाई जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना के माध्यम से एक बड़ी सौगात दी है। आमतौर पर किसान की फसल को लेकर के
अगर कोई बरसाती या कोई आपदा आती है, ऐसे में ये बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार की इस योजना का सबको लाभ मिलेगा, और जैसा कि योजना बताई गई है अभी हाल इसमें इस योजना के माध्यम से लगभग दावे आपत्ति के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो कभी काफ़ी सक्सेस होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये योजना लागू की है इसका लाभ सभी लोग उठाएंगे। इस अवसर पर माननीय हमारे जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला और समस्त जनप्रतिनिधि मौजूद है। मैं एक बार प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। पिछले वर्ष भी सोयाबीन की पूरी फसल खराब हो गई थी और लगभग 4600 करोड़ से भी अधिक सोयाबीन की फसल का बीमा किसानों को मिला और उससे काफ़ी राहत मिली है। और अभी भी इस वर्ष भी 2020 में जो सोयाबीन खराब हुई थी उसका भी एक बम्पर बड़ी मात्रा में बीमा अभी एक आध महीने में किसानों को मिलने जा रहा है। अभी जो किसानों ने अक्टूबर नवंबर में जो रबी में गेहूं की फसल बोई है, चने की फसल बोई है, बोनी चल भी रही है जिसकी, उसमें 31 दिसंबर तक कृषि विभाग द्वारा उसको निश्चित रूप से जो ये कृषि रथ रवाना करके सरकार के द्वारा जो फसल बीमा कराया जा रहा है, निश्चित रूप से मैं उज्जैन ज़िले के समस्त किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपनी चने और गेहूं की फसल का 31 दिसंबर तक प्रीमियम राशि जमा करके अवश्य बीमा कराएं। और उप संचालक कृषि RPS नायक द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले में रबी सीजन 2021-22 का फसल बीमा होना प्रारंभ हो गया है। बीमा कराने की अंतिम दिनांक 21 दिसंबर 2021 है, जिसमें ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान भाई अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं, जिसकी प्रीमियम 705 रुपए प्रति हेक्टेयर है। वे बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक भगवान सिंह ने बताया कि जिले के सभी किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसी उद्देश्य से शासन द्वारा फसल बीमा के 3 प्रचार वाहनों को जिले के सभी गांवों में प्रचार प्रसार हेतु घुमाया जाएगा एवं किसानों को फसल बीमा कराने हेतु प्रेरित किया जाएगा। किसान भाइयों से निवेदन है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें, किसान भाई अपने संबंधित बैंक में जाकर अतिशीघ्र अपनी फसल का बीमा करावें। अभी 31 दिसंबर तक अपने गेहूं और चने की फसल का बीमा अवश्य कराएं। प्रति हेक्टर किसान भाई को 705 रुपये जमा करना है, और यदि पूर्ण रूप से फसल उनकी खराब हो जाती है, मान लो प्राकृतिक आपदा से या किसी कारण से फसल यदि खराब हो जाती है, भगवान ना करे, लेकिन यदि फसल खराब हो जाती है तो हमारे किसान भाइयों को इसका पूर्ण रूप से फसल खराब हो जाती है तो 36,000 रुपये के लगभग बीमे की राशि के रूप में किसान भाई को ये राहत के रूप में दी जाती है। तो मेरा इस अवसर पर जो प्रचार प्रसार वाहन भी आज जो है माननीय मंत्री जी मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री हमारे उनके कर कमलों से एवं माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला अध्यक्ष BJP उनके करकमलों से और जिला पंचायत CO मैडम अंकिता ढाकरे मैडम की उपस्थिति में, कृषि विभाग के सभी साथियों की उपस्थिति में जो है आज ये रथ प्रचार प्रसार के लिए पूरे ज़िले के ग्रामों में रथ रवाना किए हैं। ये रथ हमारे किसान भाइयों के प्रचार प्रसार के लिए 31 दिसंबर तक प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि अधिक से अधिक किसान भाई फसल बीमा योजना से जुड़ें और उसका लाभ जो सरकार दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उसका लाभ उठाएं और अपनी फसल है उसको किसी कारण से ख़राब हो जाती है तो उसकी भरपाई हमारी सरकार द्वारा बीमे की योजना के माध्यम से कर रही है। सर लगभग जो है 1,42,000 किसानों का जो है फसल बीमा किया गया था रबी 2020-21 में, और उसकी जो उपज औसत उपज की जो गणना है वो आंकलन में है अभी, उसके बाद जो है किसानों को फसल बीमा का लाभ दे दिया जाएगा। अभी जो अभी नया बीमा जो होना है कितना टारगेट? ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया है, वहीं लगातार बारिश किसानों के लिए अमृत समान बरस रही है। ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी है, झमाझम बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया है, वहीं ठंडी हवाओं के साथ बारिश से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का उपयोग कर रहे हैं तो वहीं गर्म कपड़े भी पहन रहे हैं। वहीं लगातार बारिश का दौर किसानों के लिए माने तो अमृत के समान बरस रहा है। किसानों का कहना है कि अभी फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता है, जिसके चलते बारिश का दौर से फसलों में पानी की पूर्ति हो रही है।
किसानों का मानना है यदि इसी तरह बारिश होती रही तो हमें खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी और इससे फसलों को अधिक फायदा मिलेगा, यानी कि बारिश के दौर से कहीं ना कहीं किसान मजे में है। बारिश हो रही है, किसानों के लिए अमृत बरस रहा है। ये अभी किसानों को पानी की जरूरत है और पानी मतलब ये वाटर लेवल भी बढ़ेगा, इससे बिजली भी बचेगी, बहुत फायदा है इससे। अगर ये बारिश आज होती रही तो कम से कम एक हफ्ते 10 दिन के। यहाँ थी शहर की प्रमुख गतिविधियाँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।